तो गाइज ये मारी मैंने ऊपर से जंप, और अब हम पहुंच रहे ब्लैक होल के अंदर, और ये डैमेज पड़ा। तो हे गाइज, तो आ चुका हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज पिछली वीडियो के अंदर हमें हरा दिया था वेदर स्केलेटन्स ने एकदम इजीली। तो गाइज इसलिए पिछले हार का बदला लेने के लिए मैंने डाउनलोड किया है एक बेबी मोड। तो गाइज इस मोड के अंदर इतनी सारी एबिलिटीज मिलती है, मतलब लिटरली हम अनमरेबल हो जाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के दो टारगेट है, एक तो हम किस तरह से मर सकते हैं वो खोजना, और दूसरा है तो एंडर ड्रैगन को मारना। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो गाइस लिटरली इसके अंदर हम अनमरेबल होते हैं। गाइस राइट साइड को मुझे एक चीज दिख रही है, वो है रेस्पिरेशन और फायर रेजिस्टेंस, मतलब हमें लावा से कोई डैमेज नहीं होगा। तो देख सकते हो कितना तगड़ा मोड़ है। तो गाइस अब मैं बनाता हूं अपनी क्राफ्टिंग टेबल, और फर्स्ट तो बनाते हमारे बेसिक टूल। तो गाइज मैंने बना लिया अपनी एक पिकेक्स। एक सेकेंड, इसके ऊपर तो एंचेंटमेंट लगी वुड वाले पिकेक्स के ऊपर, और वो भी मैक्स लेवल की सारी एंचेंटमेंट। तो गाइज देख रहे हो एक कितना तगड़ा मोड़ है, मतलब आज तो एंडर ड्रैगन की शामत आने वाली है मेरे ख्याल से। तो गाइज देखते हैं यहाँ पर नीचे डिक करके कितनी पावरफुल है। भाई साहब कितनी फास्ट चल रही है नेदरराइट का इंगट। मुझे ओवरवर्ल्ड के अंदर नेदरराइट का इंगट, आयरन, लैपिस क्या क्या मिल रहा है। लिटरली देख सकते हो दो नेदरराइट के इंगट। तो गाइज मेरा और थोड़ा नीचे डिक करने का मन है, तो गाइज मैं थोड़ा और माइनिंग करता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। तो गाइज मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर आने से 2 मिनट भी नहीं, और गाइज मेरे पास आ चुके डायमंड की पिकेक्स और 5 नेदरराइट के इंगट। भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो गाइज अब मेरे ख्याल से हमें ढूंढना चाहिए एक लावा पुल, और गाइज उससे पहले हमें थोड़ा फूड की भी जरूरत पड़ सकती है। तो गाइज एक सेकंड, ये यहाँ पर डुप्लीकेट कैसे हुई इतनी। तो गाइज मेरे ख्याल से ये स्कीम का हमें पूरा फायदा लेना चाहिए, तो गाइज लेते पूरा फायदा। तो गैस अब हो चुके हैं रात, और गैस हो चुके हैं यहाँ पर मॉब स्पॉन, और गैस देख रहे हो ये लिटरली ऑटोमेटिक मर रहे हो। और गैस ये क्रीपर तो बहुत फटता है ना, ये तो अब खुद ही मर चुका है। और गैस ये देखो यहाँ पर एक स्केलेटन है जिसके पास एरो नहीं है। एक सेकंड, ये कौन सा स्केलेटन है। तो गैस मेरे ख्याल से हमें इस कैक्टस के ऊपर खड़े रहना चाहिए, फिर हमें डैमेज पड़ सकता है। नहीं लिटरली एक भी हार्ट नहीं जा रहा हमारा। तो गाइस मेरे ख्याल से अब हमें करना चाहिए टावर ऊपर, देखते गाइस हमें फॉल डैमेज पड़ता है कि नहीं। सारे ब्लॉक लगा देते अब हम। तो गाइस ये मारी मैंने यहाँ से जंप, और गाइस देख सकते हो अभी भी मुझे एक हार्ट का भी डैमेज नहीं मिला। तो गाइस मेरे ख्याल से अब हमें मरने के लिए कोई और आइडिया ढूंढना पड़ेगा। A few inches later. तो गैस अब मैं आ चुका हूँ पानी के पास, और गैस मेरा आइडिया है कि अब हम सफोकेट करके मरते के नहीं ये देखना। तो मैंने पानी के अंदर मार दिए डुबकी, और गैस गॉड कोई तो मेरे को मैसेज दे रहे, और गैस मेरे हार्ट भी जाने लगे। और गैस मेरे पास आ चुके बहुत सारी बोट्स जो मैंने क्राफ्ट नहीं की है। एक सेकेंड, तो गैस ये देख सकते हो मेरे पास अनलिमिटेड बोट्स आ रहे हैं। तो गैस मैंने ख्याल से अब मेरे को बोट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और देख सकते हो कितनी लिटरली एक के बाद एक आ ही जा रहे हैं, और मेरी इन्वेंट्री भी फुल हो चुकी है। तो गैस मेरे ख्याल से ये बोट्स तो रुकने नहीं वाले, और गैस हम क्या मरने वाले नहीं। तो गैस अब यहाँ से जाना चाहिए। 2000 years later. तो गैस अब हो चुके हैं सुबह, तो गैस मेरे ख्याल से अब हमें ढूंढना चाहिए एक लावा पुल। तो गैस चलते अब लावा पुल ढूंढने के लिए। तो गाइस मुझे लावा पूल तो नहीं मिला, लेकिन गाइस मेरे हंगर बार सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी फूड नहीं खाया। और गाइस मेरे हार्ट भी बहुत जल्दी जल्दी जा रहे, लिटरली 5 हार्ट ही बचे। तो गाइस मेरे ख्याल से अब मैं मर सकता हूँ, और गाइस मैं इस गेम को डिफीट भी कर सकता हूँ। और ये लावा से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास रिस्पिरेशन है और फायर रेजिस्टेंस भी है। And a half hours later, a few inches later. Day 2, day 3, day 4. तो गैस मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, और गैस फाइनली मैं एक हार्ट पे आ चुका, और गैस अब तो हार्ट आप पे, और गैस मर सकता हूँ मैं शायद अब। तो गैस ये मैं अब मर चुका हूँ। एक सेकेंड, मर जा। तो गैस मेरे ख्याल से अब हो चुका है हमारा बड़ा वाला पोपट। तो गैस मेरे ख्याल से अब टाइम पास बिना किए जाते हैं हम नेदर के अंदर। कुछ भी। तो गाइस बिना टाइम पास किए जाते अब हम नेदर के अंदर।
तो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं नेदर के अंदर। तो गाइस हमारा टारगेट है ब्लेज रॉड कलेक्ट करना और एंडर पल कलेक्ट करना। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। Few inches later. तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुके हैं एंडरमैन वाली बायोम। तो गाइस अब मारते हैं बहुत सारे एंडर पर्ल और कलेक्ट करते हैं एंडर पर्ल्स। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर लिटरली मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि बस मेरे को एंडरमैन के आंखों में देखना था और गाइस वो खुद ब खुद मर जाते थे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो गाइस मुझे मिल चुका है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जिसका नाम मुझे याद नहीं। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम। तो गाइस अब ढूंढते हैं फोर्ट्रेस। A few inches later. तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है 2-3 घंटे के मेहनत के बाद फोर्ट्रेस। तो गाइस इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लग रही है। तो गाइस जाते हैं अब फोर्ट्रेस के अंदर। तो गाइस फाइनली मैं टावर अप करके आ चुका हूँ फोर्ट्रेस के ऊपर। तो गाइस मेरे ख्याल से अब हमें ढूंढना चाहिए एक ब्लेज का स्पॉनर, और गाइस शायद कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ चुके हैं हम। तो गाइस मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से जंप मार के जाना चाहिए। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा हाइट है, लेकिन मारते यहाँ से जंप। और गाइस मैं मिलता हूँ आपको 5 मिनट के बाद बहुत सारे ब्लेज कलेक्ट करने के बाद। तो गाइस लिटरली मैंने 10 से भी ज्यादा ब्लेज मारे, लेकिन मेरे को एक ने भी ब्लेज रॉड नहीं दी। तो गाइस मेरे ख्याल से मुझे उनको हाथ से मार के डैमेज मार देना होगा, तभी मेरे को ब्लेज मिलेगी शायद। तो गाइस मेरे ख्याल से उन्हें बो से मारना सही रहेगा, मस्त प्लान है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मेरे पास आ चुके बो, और गाइस मेरे को मिल गई उस बो के वजह से एक ब्लेज रॉड। तो गाइस अब मारते हैं बहुत सारे ब्लेज को, वो भी बो के मदद से। तो गाइस फाइनली हमारे पास आ चुके हैं 8 ब्लेजर। और तो गाइस अब जाते हैं अब हमारे ओवरवर्ल्ड के अंदर। तो गाइस मैं मेरे नेदर पोर्टल की डायरेक्शन भूल चुका हूँ। तो गाइस मेरे को यहाँ पर मिल चुका है ये फोर्ट्रेस। तो गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पर मिलता है बहुत सारा गोल्ड। तो गाइस गोल्ड के मदद से हम ट्रेडिंग करके ऑक्सीडन लेके यहाँ से जा सकते हैं। मस्त प्लान है। तो गाइस हमें मिल चुका है यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड। तो गाइस हमें जितना चाहिए उतना ही लेंगे, ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, 2-3 ब्लॉक ले लेंगे। तो गाइस इन पिगलिंस के साथ तो हम एकदम इजीली ट्रेड कर सकते हैं, बस मेरे को डर लग रहा है कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो मर जाएंगे यार, ये देख सकते हो मर गए। तो गाइस हमें कोई आइडिया लगा कि इनसे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको 2 मिनट के बाद। A few inches later. तो गाइस मेरे को यहाँ पर एक पिगलिन दिख चुका है जो यहाँ पर फंस चुका है शायद। तो गाइस मेरे ख्याल से हम आराम से इसके साथ ट्रेड। तो गाइस फाइनली मुझे एक आइडिया आ चुका है। तो गाइस यहाँ से मैं इनके साथ कर सकता हूँ एकदम इजीली ट्रेड। तो गाइस डाल देते हैं हमारा सारा गोल्ड यहाँ पर, और गाइस मैंने डाल दिया। और गाइस अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा मुझे। Day 2, day 3, day 4. तो गाइस बहुत देर से मैंने वेट किया, और गाइस मेरे ख्याल से अब मेरे को मिल सकते हैं बहुत सारे ऑक्सीडियन। तो गाइस मेरे ख्याल से मारनी चाहिए अब मेरे को जंप। तो गाइस ये मारी मैंने जंप, और गाइस मैं कलेक्ट करता हूँ सारे ऑक्सीडियन, और गाइस बनाते हैं अब हमारा नेदर पोर्टल। तो गाइस मैंने सारे ऑक्सीडियन कलेक्ट किया, और गाइस मेरे को मिले सिर्फ 6 ऑक्सीडियन। तो गाइस कोई नई बात तो करते अब हम न्यू पिगलिंस के साथ ट्रेड। तो गाइस मिल चुका है मेरे को एक, और ये फेंका गोल्ड। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो गाइस लिटरली हम मर चुके हैं गेम के अंदर, और गाइस कमेंट में बताना ये कैसे हुआ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। तो गाइस मेरे ख्याल से गेम ने हमारे साथ किए चीटिंग, तो गाइस हम भी थोड़ी चीटिंग करेंगे अब। तो गाइस मैं आ चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल के पास, और गाइस मैंने ले लिए नेदरराइट के टूल और एक इलाइट्रा भी ले लिया है। चीटिंग करने तो पूरी करते हैं, थोड़ी क्यों करना। तो गाइस बिना टाइम पास किए जाते हैं अब नेदर के अंदर। तो गाइस मुझे एक चीज़ चेक करनी है कि अगर हम यहाँ से जंप मारते हैं तो मरते हैं क्या नहीं। तो गाइस ये मारी मैंने जंप, और गाइस वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस मेरे हार्ट बहुत जल्दी जा रहे,
लिटरली हम दो बार मर चुके हैं इस गेम के अंदर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो गाइस ये एंडर ड्रैगन मेरे को बार बार आई विल डिस्ट्रॉय यू मैसेज देके बहुत इरिटेट कर रहा है। तो गाइस इसके लिए मैंने एक तोहफा दिया है। तो गाइस ये हमारी मैंने फ्लेम वाली एरोस, और गाइस अब ये तो खत्म ही है। अरे यार ये लास्ट के 2 सेकंड से बच गया मेरे ख्याल से। तो गाइस अब मेरे ख्याल से इसे सोर्ड से मारना पड़ेगा मुझे। तो गाइस फाइनली एंडर ड्रैगन मर चुका है। तो गाइस वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।